हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Moto G64 5G फ़ोन है, तो Moto G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं Moto G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर मैसेज सेंडिंग प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे Moto G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर मैसेज सेंडिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको इसमें से जाना है ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर ऐप सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपके पास मैसेज आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन है आ जाएगा, जिसके जरिए मैसेज की सेंडिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि सिंपली स्टोरेज डाटा एंड कैच पे क्लिक करना और क्लियर स्टोरेज करते ही आपकी जो भी मैसेज की सेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व कर पाएंगे, और उस पर क्लिक करके मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और मैसेज सेंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं डाटा क्लियर करके। और साथ में देख सकते हैं कि परमिशंस पे जाकर फ़ोन की जो भी परमिशन होती है, माइक्रोफोन परमिशन या फिर मैसेज परमिशन, नोटिफिकेशन परमिशन, उसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और ऑन करके मैसेज की सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और मैसेज की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं Moto G64 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।